हेलो फ्रेंड्स, आज है 19 जून 2024 और 19 जून 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो उनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व बुजुर्ग व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया है। 15 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मान्यता दी गई है और इसे दुनिया भर में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया के कई हिस्सों में बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार बहुत कम मान्यता या प्रतिक्रिया के साथ होता है। अब बात है इम्पोर्टेंट डे की, तो जून में जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। बात है 1 जून की, तो 1 जून को मनाया गया है विश्व दुग्ध दिवस। 2 जून को मनाया गया है तेलंगाना स्थापना दिवस। 3 जून को मनाया गया है विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को मनाया गया है आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस। 6 जून को मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस। 7 जून को मनाया गया है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को मनाया गया है विश्व महासागर दिवस। 9 जून को 2 इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, विश्व प्रत्यानंद दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखाकार दिवस। 13 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। 12 जून को मनाया गया है विश्व श्रम निषेध दिवस। 14 जून को मनाया गया है विश्व रक्तदाता दिवस और 15 जून को मनाया गया है विश्व बुजुर्ग जागरूकता दिवस। ये हैं जून के जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं, मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, तिरुमाला तिरुपति देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जे श्यामला राव, सी ऑप्शन राइट होगा। ये हैं जे श्यामला राव, जो कि तिरुपति देवदास के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त हुए हैं। जे श्यामला राव ने रविवार को तिरुमाला मंदिर में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के नए कार्यकारी अधिकारी के रूप में TTDEO एवं धर्म रेड्डी के कार्यभार को संभाला है। और इम्पोर्टेंट क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि उपेंद्र कुमार द्विवेदी को नए थलसेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा CCI के सचिव नियुक्त हुए हैं। राजप्रीत सिंह ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए हैं। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। पी संतोष को NARCL का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। संजीव जैन को विप्रो के नए CEO बने हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को प्रिक्स पुस्तक के लिए चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, गुजरात। अब बात है गुजरात की, तो गुजरात के भुज में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेलस पुस्तक के लिए चुना गया है, जिसमें इसे विश्व के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में से एक माना गया है। यह पहली बार है जब किसी भारतीय संग्रहालय को अपनी वास्तुकला और डिज़ाइन उत्कृष्टता के लिए ऐसी वैश्विक मान्यता मिली है। अब बात है गुजरात की, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है गुजरात की कैपिटल। गुजरात के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री कौन है? चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, कौन घुड़सवारी के लिए 3-स्टार ग्रैंड पिक्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, श्रुति वोरा। ये हैं श्रुति वोरा, जो कि घुड़सवारी के लिए 3-स्टार ग्रैंड पिक्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में सिरिल रामाफोसा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा, दक्षिण अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका के जो हैं सिरिल रामाफोसा फिर से नए राष्ट्रपति बने हैं। अब बात है साउथ अफ्रीका की, तो मैप में देखेंगे साउथ अफ्रीका कहाँ है। ये है मैप में साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है? साउथ अफ्रीका की कैपिटल है कैप टाउन, यहाँ की कैपिटल है।
और प्रेसिडेंट तो सिरिल रामाफोसा बने हैं, और करेंसी की बात करें तो साउथ अफ्रीकन रैंड यहाँ की करेंसी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है, ब्रिटेन और किस देश ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज को समयांतरित प्रबंध लगाए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा, ब्रिटेन और अमेरिका देश ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर समयांतरित प्रतिबंध लगाया है। अब बात है अमेरिका की, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं कि अमेरिका ने भारत को 31 प्रीटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार ओमरोई मेघालय में शुरू हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। भारत और भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में ही किया गया है। ये है हमारी अमेरिका से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सातवां क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित किताब ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, अल्पना किलवाला द्वारा लिखित ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन किया है। जब अल्पना किलवाला भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई में शामिल हुई थी तो बैंक का संचार विभाग आकार लेना शुरू ही कर रहा था। दो दशकों के लिए अधिक करियर में अल्पना ने न केवल आरबीआई की संचार रणनीतियों के विकास को देखा है बल्कि इसमें सक्रिय योगदान को भी दिया है, ठीक है ना। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे बुक से रिलेटेड, तो आर अश्विन की आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेटर स्टोरी लॉन्च हुई है, ये कल का क्वेश्चन है। और क्या है, सलमान रुश्दी ने अपना संस्करण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा, मनीला, ठीक है ना। मनीला घरों की कीमती के मामले में 26.2% की एनुअल ग्रोथ के साथ पहले स्थान पर है, जबकि टोक्यो जो है 12.5% के स्थान पर एनुअल ग्रोथ के साथ दूसरे स्थान पर है। बाय हाउसेस इस साल जनवरी मार्च के दौरान घर की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में ग्लोबल लेवल पर शीर्ष 40 शहरों में मुंबई तीसरे और दिल्ली पांचवें स्थान पर है। अब क्वेश्चन याद रखना कि दिल्ली जो है पाँचवें स्थान पर है और मुंबई जो है 44वें स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में दो दिवसीय भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, नई दिल्ली में दो दिवसीय भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन संपन्न हुआ है। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक फिक्की इंडियन एसोसिएशन रिम एसोसिएशन सचिवालय और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में 13 तारीख को सुषमा स्वराज भवन चाणक्यपुरी नई दिल्ली में दो दिवसीय भारतीय IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने सफलतापूर्वक AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा, डॉक्टर शिवानी वर्मा ने सफलतापूर्वक AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तैराकों ने सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट होगा, कांस्य पदक जीता है भारतीय तैराकी सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में, कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में पवन कल्याण को किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री के रूप मुख्यमंत्री बने हैं। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर होगी ऑप्शन बी राइट होगा, आंध्र प्रदेश राज्य। अब बात है आंध्र प्रदेश की, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, अमरावती है इसकी कैपिटल। चीफ मिनिस्टर है एन चंद्र बाबू नायडू और गवर्नर की बात करेंगे तो एस अब्दुल नाजीर यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 13वां क्वेश्चन है,
तो G7 देशों ने इस देश को 50 बिलियन डॉलर का लोन देने की सहमति जताई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट होगा, यूक्रेन देश को G7 के देशों ने 50 बिलियन डॉलर का लोन देने की सहमति जताई है। अब बात है यूक्रेन की, तो ये है मैप में यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव है यहाँ की कैपिटल। यूक्रेनी रिवेन्या, यूक्रेनी यूक्रेनी रिवेन्या यहाँ की करेंसी है। और बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की, तो डेनिस श्यामलाल यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में शरण कानूनों का पालन न करने की वजह से AU कोर्ट ने किस देश पर 216 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है? तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट होगा, हंगरी देश पर 216 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। अब बात है हंगरी की, तो मैप में देख लेते हैं हंगरी कहाँ है। ये है मैप में हंगरी। हंगरी की कैपिटल क्या है? बूडापेस्ट है यहाँ की कैपिटल, ठीक है ना। प्रेसिडेंट कौन है? तमस सुलियोक यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। करेंसी की बात करें तो हंगेरियन फोरिंट यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है, चंद्रयान 1 मिशन के डायरेक्टर का निधन हुआ है, उनका क्या नाम था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा दिलीप अवस्थी, ऑप्शन बी होगा श्रीनिवास हेगड़े, ऑप्शन सी हो सुबोध कुमार, या ऑप्शन डी होगा चंद्रबाबू गुलाब चंद्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चंद्रयान 1 मिशन के डायरेक्टर का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें व अपने उन दोस्तों को शेयर करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। हमारे इंस्टाग्राम पेज क्रिटिकल स्टडी 31 को आप ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।